6 जनवरी 2021 को राजधानी लखनऊ के कठौता चौराहे पर गोलियों से भूनकर बदमाशों ने ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या कर दी। वहीं अजीत सिंह हत्या का आरोप गैंगस्टर कुंटू सिंह पर लगा। इसके पीछे वजह अजीत सिंह का पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सिप्पू हत्याकांड का गवाह होना बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें मुख्य आरोपी कुंटू सिंह है। आइए जानते हैं कौन है सर्वेश सिंह सिप्पू, जिसकी हत्याकांड में गवाह होने से गैंगस्टर अजीत सिंह की हत्या हो गई। क्या है माफिया कुंटू का कनेक्शन? सर्वेश सिंह सिप्पू आजमगढ़ जिले के अमुआरी गांव के रहने वाले थे, जिनके पिता राम प्यारे सिंह मुलायम सिंह यादव के सरकार में वन मंत्री थे। 2007 में सर्वेश सिंह भी सगड़ी विधानसभा से सपा से विधायक बने। परिवार का राजनीतिक कद बड़ा होने से क्षेत्र में भी प्रभावशाली थे। वहीं जियनपुर क्षेत्र में प्रभाव जमाने के लिए जब गैंगस्टर कुंटू सिंह ने कदम रखा तो दोनों के बीच टकराव शुरू हुआ। इस बीच कुंटू और सिप्पू में समझौता भी हुआ कि कोई भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देगा। दोनों अपने अपने काम में जुट गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में सर्वेश सिंह व संतोष सिंह दोनों भाई बसपा के टिकट पर आजमगढ़ के सगड़ी और सदर से चुनाव लड़े। हालांकि दोनों को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सर्वेश के गांव अमुआरी में एडेड स्कूल के प्रबंधक के पद को लेकर पुनः कुंटू और सर्वेश के बीच टकराव हो गया। सर्वेश के गाँव का स्कूल था और जन नेता थे, विजय मिल गई। ये हार कुंटू को नागवार गुजरा। इसके बाद 19 जुलाई 2013 को पूर्व विधायक सिप्पू के घर पर गोलियों की बौछार हुई, जिसमें सर्वेश सिंह और उनके सहयोगी भरत राय की मौत हो गई। इस हत्याकांड में कुंटू सिंह सहित 13 लोग आरोपी बनाए गए। हत्याकांड का मुख्य गवाह सर्वेश का भाई संतोष सिंह और ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह बने। पूर्व विधायक की हत्या हुई थी, ऐसे में मामला जब तूल पकड़ा तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने CBI जाँच का आदेश दे दिया। जाँच चलने लगी, कुंटू का पूर्व सहयोगी अजीत अब उसके विरोध में गवाही देने लगा। अजीत का मऊ जनपद में कद बढ़ने लगा और वह अवैध धंधे से धन अर्जित करने लगा। इसके साथ ही सर्वेश की पत्नी वंदना सिंह 2017 में आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा से बसपा से विधायक बन गई और कुंटू की पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख बन गई। कुंटू और अजीत के वर्चस्व की चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच गैंगस्टर अजीत सिंह की हत्या लखनऊ में हो गई, जिसका आरोप आजमगढ़ जेल में बंद कुंटू सिंह पर लगा।